अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियल्टर्स। व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू 7 मरला सिंगल स्टोरी हाउस लेके आया हूँ जो अवेलेबल है सेल के लिए। व्यूअर्स, घर के जितनी भी डिटेल्स हैं जिसमें इस घर की प्राइस की बात होगी, लोकेशन आप लोगों से डिस्कस की जाएगी, उसके साथ साथ घर का प्रॉपर जो विजिट है वो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ये तमाम तो जो डिटेल्स है इसी वीडियो में व्यूअर्स आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। बढ़ते हैं व्यूअर्स आज के खूबसूरत ब्रांड न्यू 7 मरला घर की तरफ। घर की व्यूअर्स लोकेशन की बात करूँ तो ये खूबसूरत घर व्यूअर्स न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी रावलपिंडी में लोकेटेड है। न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी जो है ये काफ़ी मशहूर इलाका है रावलपिंडी का। इसके बिल्कुल सामने अपोजिट न्यू वेस्टरिज है और करीब जो है बाटा चौक यहाँ से करीब है। यहाँ से रावलपिंडी रेंज रोड जो है वो रोड काफ़ी करीब है और सदर अगर आपने जाना है तो 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ड्राइव डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे सदर लोकेटेड है। व्यूअर्स, घर की अगर एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन को बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिटेल वे में डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे रॉक वॉल का यूज़ किया गया टू टोन कलर में, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड में। गेट वर्क में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वुड टेक्सचर के साथ यहाँ पे गेट वर्क का काम मिलेगा जिसमें मेटल गेट वर्क आपको बना हुआ है, साथ में जो है क्रोम के इसके हैंडल्स आपको मिलेंगे। ये एक रेलिंग गेट है और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड पे करके यहाँ पे एक्सटीरियर लॉन की स्पेस दी हुई है और फ्रंट पे यहाँ पे आपको टफ टाइल के साथ आपको ये जो कार पार्किंग रैम जो है वो मिल जाएगा। स्ट्रीट व्यू की बात करूँ तो एक खूबसूरत वाइड स्ट्रीट है 20 फुट की, यहाँ पर आपको इसकी घर की गली मिल जाएगी। इजिली यहाँ पर आप बाहर भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और घर के इन साइड भी कार पार्किंग स्पेस जो है वो काफ़ी सफिशेंट है। व्यूअर्स, ये एक 7 मरले का सिंगल स्टोरी मकान है जबकि घर की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। घर के इनसाइड में एंटर हो चुका हूँ, यहाँ पे एक कार पार्किंग स्पेस है, इजीली 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। आप एक बड़ी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, साथ में छोटी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। राइट साइड पर यहाँ पे वाटर अपलिफ्ट मशीन है, उसके साथ यहाँ पे वाटर टैंक एरिया है। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में बहुत ही डिटेल्ड वे में यहाँ पर इसमें काम हुआ हुआ है और उसके साथ साथ बात करें सामने तो एक खूबसूरत फीचर्ड वॉल आप सामने देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। घर जो है व्यूअर्स एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है। ग्राउंड फ्लोर इसका जो है वो सेपरेट है। घर को अगर आप रेंट आउट करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे सेपरेट स्पेस जो है वो घर के अंदर प्रोवाइडेड है। इस घर के अंदर मैं व्यूअर्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो बिजली मौके पे मौजूद है और अच्छी बात यह है कि घर के अंदर पानी के लिए बोरिंग का जो इंतज़ाम है वो भी यहाँ पर वो है। सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने बोरिंग मशीन जो है यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ साथ व्यूअर्स इस घर के अंदर इलाके में जो गैस है वो मौजूद है, चूँकि ये ब्रांड न्यू घर है इसमें भी गैस के मीटर नहीं लगा, अलबत्ता इलाके में ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे गैस मौजूद है। खूबसूरत ड्राइंग रूम में मैं एंटर हो चुका हूँ इस घर के। आप देख सकते हैं इस घर के ड्राइंग रूम को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी ग्रिलिंग भी इनमें हुई हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको येलो पेंट जो है उसके साथ वाइट पेंट को बड़ा खूबसूरत एक कॉम्प्लीमेंट्री जो लुक है वो ड्राइंग रूम के अंदर वो एड ऑन हुई हुई है। सीलिंग में आप देखेंगे सीलिंग को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें बीच में वुड टेक्सचर का काम हुआ, एक फ़ैन इंस्टॉल किया गया और साथ में यहाँ पे आर्ट वर्क जो है वो भी इसके सीलिंग में हुआ हुआ है। स्पॉट लाइट्स आपको थ्रू आउट जो है इसके सीलिंग में मिलेंगी। ड्राइंग रूम को घर के ओटीएस के साथ व्यूअर्स कनेक्टेड किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये घर का रोशनदान जिसको घर के जिसके वजह से घर को हवादार और रोशन रखा गया है और ये इसके टाइल वर्क का काम है। सामने एक कॉमन वॉशरूम है जो कि ड्राइंग रूम के लिए भी यूज़ हो सकता है और इसके साथ जो अटैच रूम है उसके लिए भी यही सेम वॉशरूम जो है वो यूज़ किया जाएगा। टाइलिंग का काम इसमें वो है। सामने इंडियन कमबोर्ड की स्पेस दी हुई है। लेफ्ट साइड पर करके यहाँ पे आपको मास्टर की फिटिंग के साथ यहाँ पर आपको वैनिटी मिलेगी। एक मिरर वर्क ऊपर आपको प्रोवाइड किया गया और उसके ऊपर एक खूबसूरत आपको एक लाइट जो है वो भी यहाँ पर मिलेगी। घर की वजह में वुड क्वालिटी की बात करूँ तो घर के अंदर जो वुड है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे दरवाजे जो है वो दिए गए हैं, ये सॉलिड डोर्स हैं। बीच में जो है प्लाई जो है यूज़ भी हुई है और यहाँ पे खूबसूरत जो है वुड कार्विंग के साथ यहाँ पे आपको वर्साशे ब्रांडिंग जो है वो भी उसका काम भी सामने नज़र आएगा आपको। वापस ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, इस घर की जो अच्छी बात एक और ये है कि इसका जो नक्शा है वो इस पर सीबी नंबर लग चुका है, ये रावलपिंडी कैंट बोर्ड से अप्रूव्ड है और इस घर का डबल स्टोरी का नक्शा जो है वो रावलपिंडी कैंट बोर्ड से अप्रूव्ड है। तो ये ओवरऑल आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू में ये चीज़ जो है काफ़ी वैल्यू ऐड करेगी। टीवी लाउंज व्यूअर्स में एंटर हो चुका हूँ। व्यूअर्स, टीवी लाउंज की डिटेल देने से पहले आप लोगों को मैं घर की डिमांड अब मैं डायरेक्टली आज शुरू में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि आप डिमांड जो है वो आखिर में बताते हैं जबकि हम वेट कर रहे होते हैं, तो मैं आज आप लोगों का टाइम सेव करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये क्योंकि बहुत ही खूबसूरत घर है, घर तो वैसे भी आप लोगों ने देखना है तो डिमांड मैं शुरू में ही आप लोगों को बता देता हूँ। व्यूअर्स, ये एक 7 मरले प्लॉट पर कंस्ट्रक्ट किया गया है जबकि इसकी जो डिमांड रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 करोड़ है। इसमें भी थोड़ी बहुत जो निगोसिएशन है व्यूअर्स मौके पर वो हो सकती है।
तो डिमांड में आप लोगों को बता चुका हूँ, अब आपको मैं टीवी लाउंज के बारे में बताता हूँ। सामने टीवी लाउंज में खूबसूरत आप देख सकते हैं ये क्रॉस ओपन किचन जो है डिज़ाइन किया गया। ये बेसिकली क्रॉस लुक का है, कुछ हिस्सा इसका सामने दिया गया और राइट साइड पे करके कुछ हिस्सा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। तो इसमें सामने आपको यहाँ पे एक खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको रेंज हुड की स्पेस मिलेगी। HS कंपनी का काफ़ी अच्छे रेंज हुड है इनके, इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है ये। नेशनल कंपनी का यहाँ पर आपको व्यूअर्स मिल जाएगा बर्नर मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ किया गया है। सिंगल स्लैब काउंटर टॉप मिलेगा, लोअर मॉड्यूल्स मिलेंगे और इसके साथ आपको अपर मॉड्यूल्स जो है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पे करके यहाँ पे क्रॉकरी होल्डर की स्पेस भी दी गई है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसलिए यहाँ पे आप क्रॉकरी वगैरह जो है वो आप इसमें रख सकते हैं। टीवी लाउंज के मज़ीद फीचर्स की बात करूँ तो फ्लोरिंग में यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग जो है वो दी गई है, साथ में ब्लैक कलर की स्काउटिंग दी गई है। और सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में भी काफ़ी डिटेल वर्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। व्यूअर्स अब ये बिल्कुल सामने जो है मैं बेड फर्स्ट जो है उसका विजिट करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं घर की एकोमोडेशन समझा देता हूँ। नक्शे के मुताबिक घर के ग्राउंड फ्लोर में 3 बेडरूम्स लोकेटेड है ड्राइंग रूम के अलावा। सामने बेड फर्स्ट है, फिर सेकंड बेड है और ये थर्ड बेड है। पहले इस बेड से शुरुआत कर लेते हैं, चूँकि इसका वॉशरूम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सीलिंग का काम देखेंगे, सीलिंग में यहाँ पे मल्टी टोन में यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है। लेफ्ट साइड पे करके यहाँ पे आपको कबर्ड दी गई है जिसको सीलिंग तक एक्सटेंड किया गया है। बीच में मिरर वर्क जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कबर्ड की जो शीट्स है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो दी गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको स्लाइडिंग डोर के साथ जो है हैंडल्स के साथ आप यूज़ करेंगे। और घर का इसके बैक पे भी जो है इवन घर का OTS जो है वो आपको मिलेगा। इस घर के अंदर आपको एक और पॉजिटिव फैक्टर जो नज़र आएगा वो ये है कि घर के अंदर रोशनदान 2 दिए गए। पहले बार रोशनदान मैं आपको दिखा चुका हूँ, जहाँ पर बीच में कॉमन वॉशरूम है वो इस रूम के साथ यूज़ किया जाएगा, जबकि दूसरा रोशनदान ये बाकी 2 बेडरूम्स के बीच में है। सेकेंड लास्ट बेड की तरफ मूव कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के, तो ये मैं एंटर हो चुका हूँ। ये इसका मास्टर बेड है इस मुकम्मल फ्लोर के, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। सीलिंग का काम आप देखें मल्टी टोन में सीलिंग डिज़ाइन की गई है, वाइट वॉश का काम मिलेगा, फ्लोरिंग मार्बल की मिलेगी, ब्लैक कलर की स्काउटिंग है। और राइट साइड पे करके यहाँ पे आपको एक ड्रेसिंग कबर्ड मिलेगी जो कि सीलिंग तक एक्सटेंडेड है। ये जी अब इसका अपना वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। एक सेपरेट वॉशरूम दिया गया, 2-2 कलर में यहाँ पर टाइलिंग का काम हुआ है। यहाँ पे आपको इंडियन कपबोर्ड मिलेगा, वैनिटी की स्पेस मिलेगी और ये फिर इसके साथ साथ आपको इसके वुड का काम भी आपको मैंने दिखा दिया। लास्ट बेड की तरफ मूव करें जी, तो व्यूअर्स ये लास्ट बेड है मेरा फेवरेट बेड, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना ये बहुत छोटा है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेडरूम है। एक दरमियाने साइज़ का बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसमें जो रोशनी है वो काफ़ी बेहतर है। नॉर्मली मुझे अच्छी रोशनी वाले घर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब ये देखें जी व्यूअर्स, इस रोशनदान को मिला के आपको ग्राउंड फ्लोर में 3 रोशनदान जो है इस घर के अंदर मिल जाएंगे, 3 OTS मिल जाएंगे। तो ये नक्शे इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके मुकम्मल घर को रोशन और हवादार जो है वो रखा गया है। इस रूम का आप रिमेनिंग व्यू ले लें। सीलिंग आप देख सकते हैं मल्टी टोन में डिज़ाइन की गई है, मार्बल फ्लोरिंग हुई है, ब्लैक कलर की स्काउटिंग मिलेगी। सीलिंग तक एक्सटेंडेड आपको एक कबर्ड मिल जाएगी और लेफ्ट साइड पे करके व्यूअर्स आपको इसका खूबसूरत वॉशरूम जो है वो मिलेगा। वॉशरूम मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया, अभी इसमें कुछ चीज़ें लगना बाकी है। बाकी ये है कि इसमें सामने आप देख सकते हैं टाइल इसकी मिसिंग है, बाकी ओवरऑल जो है ये कंप्लीट है। ये जी इसकी इंग्लिश कंबोर्ड दिया गया है, शॉवर एरिया दिया गया और राइट साइड पे करके बस यहाँ पे आपको ये वैनिटी की स्पेस दी गई है। उम्मीद करता हूँ घर के ग्राउंड फ्लोर का विजिट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। बस इसके बाद आप यहाँ से लेफ्ट साइड पर करके घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयरकेस जो है वो प्रोवाइडेड है। ये चूँकि एक सिंगल स्टोरी मकान है तो ऊपर जाके अभी फ़िलहाल अभी कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, आपको सिंगल स्टोरी की शक्ल में ही मिलेगा। अलबत्ता इसके डबल स्टोरी का नक्शा अप्रूव्ड है, घर को लेने के बाद आप उसको नक्शे के हिसाब से मज़ीद जो है आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ओवरऑल डिटेल्स घर की आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को आप विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो के बॉटम में या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उन नंबर से रब्ता करके आप इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। लास्ट में मैं व्यूअर्स घर के की फीचर्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी रावलपिंडी में ये खूबसूरत 7 मरले प्लॉट में कंस्ट्रक्ट किया गया घर अवेलेबल है सेल के लिए। घर के अंदर जो है व्यूअर्स बिजली मौजूद है, पानी जो है बोरिंग की शक्ल में पानी मौजूद है, 20 फुट की आपको गली मिलेगी और उसके साथ साथ घर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो इंतहाई अमेजिंग और सॉलिड है। घर की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 1,25,00,000 रखी गई है। वीडियो को यहाँ पे व्यूअर्स एंड करेंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना, तब तक टिल देन अल्लाह हाफिज़।